हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ वापस। इसमें देखिए हम बात करेंगे इंडियन जीके जीएस के बारे में, ठीक है। इंडियन जीके जीएस के बारे में हम इसमें बात करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट 100+ एमसीक्यूज रहने वाले हैं। जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री का जो चल रहा था सीरीज, उसमें हम आज बात करेंगे मुगलों के बारे में, ठीक है। मुगलों से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिसेंट एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे कि उनकी जो प्रथाएं थी या फिर क्या क्या चीज़ें उन्होंने करे थे, स्थापनाएं थी उनके, स्थापत्य कला, बहुत सारी चीज़ें मुगलों से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम जल्दी से क्विक रिविजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। 2 या 3 दिन के अंदर हम क्विक रिविजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सारे मतलब हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सबके क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने क्या किया था, किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी दिल्ली सल्तनत पर। तो यह किया था लोदी वंश, ठीक है, जो लोदी वंश का इब्राहिम लोदी था। तो इब्राहिम लोदी को इसने क्या करा था, 1526 ईस्वी में एक युद्ध में हराया था, जिसको बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली सल्तनत पर क्या करा था, मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। फिर है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ याद रखना है 1526, डेट ज़्यादातर नहीं पूछी जाती है, तो यहाँ पर 1526 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही राइट होगा, ठीक है। डेट से हमें कोई मतलब नहीं है, बस सन याद करना है 1526 में हुआ था, ठीक है। तो बाबर के 4 मुख्य युद्ध हैं, इनके बारे में हम बात करें तो वो है हमारा एक शॉर्ट फॉर्म होता है पान खा चल घर, ठीक है, पान खा चल घर। तो पान खा चल घर का मतलब होता है, पान का मतलब होता है पानीपत, खा का मतलब होता है खानवा, चल का मतलब होता है चंदेरी, घर का मतलब होता है घाघरा, ठीक है, पान खा घर चल, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, तो इनका जो कलानुक्रम है आप इस तरीके से याद करना, पहला होता है 1526, फिर होता है 27, फिर होता है 28, फिर होता है 29 और 30 में बाबर खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से होता है उनका, तो इस तरीके से आप लोग याद कर लेना पान खा चल घर, ठीक है। ये सीरियल वाइज बाबर के युद्ध याद करने का ट्रिक है। फिर देखिए बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो तुगलमा नीति जो इन्होंने लागू की थी, तो ये सर्वप्रथम किस युद्ध में इन्होंने करा था, ये करा था हमारा पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ 1526 ईस्वी में इन्होंने तुगलमा नीति को प्रयोग किया था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि जो इंडियन जीके जीएस का जो पोर्शन डाल दिया है आजकल, तो ये काफ़ी डीप डाल दिया है, ठीक है। इंडियन जीके जीएस से आजकल काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इजी होते थे जो पहले, वो अब थोड़ा डीप हो गया है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उन्हें कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो ये मतलब उनके लिए फ्री कर दिया था कि जितना चाहिए ले लो, खुश हो गया था ना वो, तो इस उदारता के लिए उसको क्या मिलती है, कलंदर की उपाधि मिली थी। तो ये उपाधि किस युद्ध के बाद मिलती है, ये मिलती है पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद, ठीक है। फिर है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई, तो ग्रांड ट्रंक रोड कब बनाई गई थी, जिसको बेसिकली जीटी रोड बोलते हैं, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड। तो ये ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना होती है शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड पर, ठीक है, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अब देखिए जो शेरशाह सूरी थे, इन्होंने क्या करा था, जो बाबर के पुत्र थे हुमायूं को हराने के बाद दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया था, और इनके टाइम पीरियड पर काफ़ी इन्होंने क्या करा था, सड़कों का निर्माण कराया था, ठीक है। फिर देखिए गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था, जब इन्होंने गुजरात विजय करा था तो उस टाइम पे अकबर ने क्या करा था, एक निर्माण कार्य करा था। तो ये किसका निर्माण करा था, ये करा था बुलंद दरवाजे का, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में है ये, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, ठीक है, ये काफी ऊंचा है। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जो आईने अकबरी है ये क्या है, एक महान ऐतिहासिक कृति है ये, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी है अबुल फजल ने, ठीक है। अबुल फजल क्या थे, अकबर के दरबारी कवि थे। फिर देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में होती है, तो ये किनके बीच होती है, ठीक है, कब होती है, 1556 ईस्वी में होती है पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो ये किसके बीच होती है, अकबर और हेमू के बीच में होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म किसने शुरू किया था, तो दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया था, ये किया था हमारा अकबर ने, ठीक है। फिर है
प्रसिद्ध मुस्लिम सासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। जो प्रसिद्ध मुस्लिम सासिका थी चांद बीबी जिसने क्या किया था, बरार को अकबर को सौंप दिया था, तो ये किस राज्य से संबंधित थी, ये संबंधित थी अहमदनगर से। ठीक है, अहमदनगर से संबंधित थी। फिर अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। तो मुगल प्रशासन व्यवस्था होती थी उसमें एक मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था, तो ये किस व्यक्ति ने प्रारंभ किया था, अकबर ने प्रारंभ किया था। फिर है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे। तो तानसेन किसके दरबारी थे, ये भी अकबर के दरबारी थे। फिर है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। तो मुगल कालीन जो राजभाषा हुआ करती थी वो होती थी फारसी। ठीक है, फारसी उस टाइम पे काफी ज्यादा चलती थी। अब आप लोग यहाँ पर उर्दू मत कर देना, ठीक है। फिर है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो जो सती प्रथा थी उसकी भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, तो वो था हमारा अकबर। ठीक है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। तो कौन सा ऐसा युद्ध हुआ था जिससे मुगलों की नींव पड़ी थी, तो ये हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। ठीक है, फिर है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था। तो मुगल चित्रकारी किसके टाइम पीरियड पर हाई लेवल में पहुंची थी, ये पहुंची थी जहांगीर के टाइम पीरियड पर। ठीक है, जहांगीर कौन था, अकबर का बेटा था। ठीक है, और जहांगीर का बेटा कौन होता है, शाहजहां होता है। शाहजहां का बेटा कौन होता है, औरंगजेब होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो अकबर की जीवन कथा किस व्यक्ति ने लिखी थी, ये लिखी थी अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल महान वो थे, इतिहासकार थे उस टाइम के। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया था। ठीक है, जो दैनंदिनी डायरी थी इसमें किस व्यक्ति ने दिया था, ये दिया था हमारा बाबर ने। ठीक है, बाबर ने दिया था। अब देखिए, बाबर को काफ़ी ज़्यादा जो बगीचे होते थे, फल होते थे, उद्यान, इनसे काफ़ी लगाव था। ठीक है, फिर है, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है। तो शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए, प्रशासनिक सुधार। ठीक है, इसने सबसे सर्वाधिक क्या किया था, प्रशासनिक सुधार करा था। हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो हुमायूं नामा लिखा है हमारा गुलबदन बेगम ने। ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा। फिर अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, तो वह किस नाम से जाना जाता है। तो अकबर के शासनकाल में क्या किया गया था, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, तो ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हमारा रज्मनामा से। ठीक है, जो रज्मनामा है ये महाभारत का क्या है, फारसी अनुवाद है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था। तो सैयद भाइयों को किसने गिराया था, ये गिराया था मोहम्मद शाह ने। ठीक है, फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट था। तो अंतिम मुगल सम्राट की बात करें तो ये था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, इसको बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है। ठीक है, बहादुर शाह जफर क्या था, अंतिम मुगल सम्राट था जो 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेता है और उसको जेल भेज दिया जाता है, बाद में वहीं पर उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। फिर है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायित्व था। ठीक है, कौन उत्तरदायी था किसके टाइम पे, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए। ठीक है, तो ये उत्तरदायी था टोडरमल। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी पूजा गृह का क्या नाम था। जो पूजा गृह होते थे उनके, उनका नाम रखा था इबादत खाना। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं आजकल। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे। जो संगीतज्ञ थे तानसेन और बैजू बावरा थे, ये किसके शासनकाल में प्रसिद्ध थे, ये थे हमारा अकबर के टाइम पीरियड पर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास, रामचरितमानस किसने लिखी है, तुलसीदास ने लिखी है, किसके शासनकाल से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे अकबर के शासनकाल से। फिर है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी। तो ये किस युद्ध के टाइम पीरियड पर हुआ, खानवा के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो बाबर की जो आत्मकथा है वो क्या है, तुजुके बाबरी है। तो इसमें क्या हुआ है, मुबैयान नामक पद्य शैली का
प्रयोग हुआ है। तो ये किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है हमारा तुर्की भाषा में, ठीक है, टर्किश भाषा में लिखी गई है। फिर इसके बाद है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये पहले कहाँ का शासक हुआ था भारत में आने से पहले? ये था फरगना का शासक, ठीक है। इसके बाद है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से कौन कौन शामिल नहीं था? तो शामिल नहीं है पूछा गया है, तो काफ़ी लोगों ने इसको क्या किया था, भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उसमें से क्या शामिल नहीं है, जो चंदेरी का शासक है मेदिनी राय, ठीक है, ये संबंधित नहीं है। लेकिन बाकी देखिए, जो पंजाब के सूबेदार हैं दौलत खान लोधी, उसका पुत्र दिलावर खान लोधी, इब्राहिम लोधी, चाचा आलम खान लोधी, मेवाड़ का शासक राणा सांगा, इन सभी ने क्या किया था, आमंत्रित किया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। फिर है मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण मतलब कठोरता के लिए उनका मतलब एक सुदृढ़ हो जाना, उसके दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो ये निर्णायक युद्ध था हमारा खानवा का युद्ध, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना है, तो सूची एक और सूची दो को हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा हमारा, पहला होगा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी के खिलाफ 1526, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, ये हुआ था राणा सांगा के खिलाफ, फिर हुआ था चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के मध्य, फिर है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगानों के विरुद्ध महमूद लोधी के खिलाफ, ठीक है। तो ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो मुगल साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी आगरा, तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने करा था? तो ये करा था हमारा शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां ने क्या करा था, आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो इसका जो संरक्षक हुआ करता था वो था बैरम खां, ठीक है। बैरम खां क्या हुआ करता था, उसका संरक्षक हुआ करता था, जिसको ये क्या कहते थे, प्यार से बाबा कहते थे, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह ने किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी? देखिए लाहौर पर चढ़ाई करता है, करनाल पर चढ़ाई करता है, दिल्ली पर भी वो चढ़ाई करता है, लेकिन कन्नौज पर चढ़ाई नहीं करता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर है किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? तो देखिए मैंने अभी बताया था कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसको बाग बगीचे फल उद्यान इनसे क्या था, बहुत ही लगाव था, तो ये व्यक्ति था बाबर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो इनमें से बताना है कौन सी आत्मकथा है। देखिए अकबर नामा है, पदाइश क्या है, पादशाह नामा है, हुमायूं नामा है, ये क्या है, आत्मकथा नहीं है। लेकिन जो तुजुके बाबरी है ये क्या है, बाबर नामा है, बाबर नामा या फिर तुजुके बाबरी इसको बोला जाता है, ये क्या है, आत्मकथा है। जो खुद लिखी जाती है उसको बोलते हैं आत्मकथा, और जो कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है उसको बोलते हैं जीवनी, ठीक है। अकबर नामा क्या है, अकबर की जीवनी है, हुमायूं नामा उसकी जीवनी है, शाह नामा जीवनी है, और तुजुके बाबरी क्या है, ये आत्मकथा है जो बाबर ने खुद लिखी थी, जिसको बाबर नामा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें से हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए तुजुके जहांगीरी, तो जहांगीर ने लिखी है खुद की क्या है, ये आत्मकथा है, तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर है तुजुके बाबरी, तो तुजुके बाबरी बाबर ने लिखी है आत्मकथा, सत्य है। जहां शाहजहां नामा, ठीक है, शाहजहां नामा मोहम्मद साले, ये भी क्या है, सत्य है, ठीक है। लेकिन जो हुमायूं नामा है ये हुमायूं ने नहीं लिखी है, ये लिखी है गुलबदन बेगम ने, ठीक है। हुमायूं नामा किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने लिखी है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। फिर देखिए राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? जो राजा बीरबल की उपाधि थी ये किसे दी गई थी, ये दी गई थी हमारा महेश दास को, ठीक है। महेश दास को जाना जाता था राजा बीरबल के नाम से, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, तो क्यों नहीं करवाया, उसका रीज़न हमें बताना है। तो देखिए उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, ठीक है। औरंगजेब के टाइम पीरियड पर क्या हुए थे, काफ़ी सारे युद्ध हुए थे, तो उसे निरंतर युद्ध करने पड़ते थे, इसीलिए वो क्या नहीं कर पाया था, भवनों का निर्माण नहीं कर पाया था, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी सारे षड्यंत्र चल रहे थे, इन्हीं के भाई इनके खिलाफ युद्ध कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हुई थी, सुलेमान सिको है, ये सारी चीज़ें ना। फिर देखिए किस मुगल शासक का दो बार राज्याभिषेक हुआ था, तो दो बार राज्याभिषेक किस व्यक्ति का हुआ था, तो ये होता है हमारा औरंगजेब का, ठीक है। किसका होता है, औरंगजेब का क्या होता है, दो बार होता है। अगर यहाँ पर
ऑप्शन में अगर हुमायूं होता तो हुमायूं भी दो बार इनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, हुमायूं का राज्याभिषेक कब होता है? सर्वप्रथम 1530 ईस्वी में, जब बाबर की मृत्यु होती है तो ये 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में क्या होता है, 1540 ईस्वी में जो युद्ध होता है जिसको बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध, फिर या फिर इसको कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है 1540 का। इसमें हुमायूं शेरशाह सूरी के हत्थे हार जाता है। ठीक है, तो इसके पश्चात क्या होता है, वहां पर क्या हो जाता है, शेरशाह सूरी का राज्य हो जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर, फिर ये भागकर कहीं और चले जाते हैं, फिर दोबारा 1555 ईस्वी में वापस आते हैं, फिर दोबारा इसका राज्याभिषेक होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर हुमायूं नहीं है। तो औरंगजेब का भी क्या हुआ था, दो बार राज्याभिषेक हुआ था, एक हुमायूं का, एक औरंगजेब का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है, जो जीटी रोड है ये सड़क जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है? ये जोड़ती है हमारा कोलकाता व अमृतसर को। ठीक है, कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो बाबर से कौन पराजित हुआ था, इब्राहिम लोदी हुआ था। फिर शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है हमारा सासाराम में। ठीक है, सासाराम में क्या है, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक होता है हमारा कहाँ पर, कालानौर में। ठीक है, कालानौर में इसका राज्याभिषेक हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव के समकालीन थे, गुरु अर्जुन देव क्या थे, ये थे सिखों के गुरु। ठीक है, तो इनका, इनके समकालीन कौन सा मुगल शासक हुआ करता था? तो इनका समकालीन मुगल शासक था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर। अगला है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो कौन सा इसमें से ऐसा राजपूत वंश है जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो ये नहीं किया था सिसोदिया वंश ने। ठीक है, सिसोदिया वंश ने इनके सामने समर्पण नहीं किया था। फिर है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो आलमगीर किस मुगल शासक को बोला जाता है, औरंगजेब को बोला जाता है। ठीक है, औरंगजेब को आलमगीर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो सम्राट अकबर द्वारा, सम्राट अकबर ने किसको जरी कलम की उपाधि दी थी, ये बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दी थी मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि मिली थी अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो जब बाबर क्या आया था, भारत आया था, तो ये पश्चिम से होकर आता है, तो कहाँ पर इसने किया था, पंजाब में किया था। ठीक है, पश्चिम में पंजाब वाले प्रांत पर इसने सबसे पहले एंटर किया था। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे मुगलों से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए, मुगल वाला चैप्टर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लॉन्ग भी है, तो इसको एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। ठीक है, तो हो सकता है हम इसके लिए दूसरी वीडियो लाएं जिसमें हम इनके स्थापत्य कला को, इंपॉर्टेंट स्थापत्य कला जो भी थी इनकी, उनको देखें। ठीक है, तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए चार युद्धों में से तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें, युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं। तो हुमायूं के द्वारा लड़े गए जो चार प्रमुख युद्ध हैं, इनको तिथि के अनुसार, मतलब सीरियल वाइज जो पहले हुआ उसको पहले, इस तरीके से इसको क्या करना है, सही क्रम अंकित करना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए पहले होता है दौरा का युद्ध, ठीक है, फिर होता है चौसा का युद्ध होता है, फिर होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, फिर क्या होता है सरहिंद का युद्ध। अब देखिए जो सरहिंद का युद्ध हुआ था ये 1555 ईस्वी में होता है। ठीक है, सरहिंद के युद्ध में क्या होता है, ये सिकंदर सूर को हरा के दोबारा से दिल्ली सल्तनत को हासिल करता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, दौरा का युद्ध होता है। ठीक है, दौरा या फिर इसको देवरा का युद्ध भी कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दौरा या देवरा का युद्ध होता है 1532 ईस्वी में। ठीक है, 1532 में अफगानों के बीच होता है। ठीक है, हुमायूं और अफगानों के बीच, और ये अफगानों को आराम से हरा देता है। ठीक है, इसमें कौन जीत जाता है, हुमायूं जीतता है। फिर होता है चौसा का युद्ध। अब देखिए चौसा के युद्ध की बात करें तो ये होता है 1539 ईस्वी में। ठीक है, 1539 में होता है चौसा का युद्ध। इसमें जो हुमायूं और शेरशाह सूरी होता है इनके बीच में होता है, जिसमें हुमायूं हार जाता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है। फिर इसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध होता है, इसमें हुमायूं हार जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है। ठीक है, तो इस वाले युद्ध को जीतने के बाद ही क्या होता है, शेरशाह सूरी दिल्ली सल्तनत को कब्जा लेता है। ठीक है, 1500 कितने में, 1540 ईस्वी में। ठीक है, 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक क्या चलता है, सूर साम्राज्य चलता है, मतलब शेरशाह सूरी का वंश चलता है यहां पर 15 वर्षों तक। इस टाइम पर हुमायूं बाहर रहता है 15 सालों के लिए गायब। ठीक है, 15 साल बाद वापस आता है और सरहिंद के युद्ध में किसको, सरहिंद के युद्ध में किसको हराता है, ये हराता है सिकंदर सूर को। ठीक है, सिकंदर सूर को हराने के बाद 1555 ईस्वी में दोबारा गद्दी हासिल कर लेता है और 1556 ईस्वी में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो किस इतिहासकार ने ऐसा बोला है, ये बोला है हमारा ए एल श्रीवास्तव ने, ठीक है, जो ए एल श्रीवास्तव थे, इन्होंने कहा है स्वर्ण युग, ठीक है, मुगल काल का स्वर्ण युग बोला है शाहजहां के टाइम पीरियड को, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो पटना को प्रांतीय राजधानी किस व्यक्ति ने बनाया था, तो ये बनाया था हमारा शेरशाह सूरी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन, मतलब इसको बोला जाता था फारसी में तख्त ए ताउस, ठीक है, तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था हमारा मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया था, जजिया कर को पूर्ण तरीके से बंद किया था, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। जब पहले क्या होता है, जजिया कर कौन लगाते हैं, तुर्क लोग लगाते हैं, जो अरब लोग आते हैं ना, ये लोग लगाते हैं जजिया कर, बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम हम बोल सकते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। बाद में अकबर इसको क्या कर देता है, अकबर इसको बंद कर देता है, लेकिन बाद में इसको क्या करता है, अकबर इसको सॉरी औरंगजेब इसको दोबारा स्टार्ट करता है, कौन, औरंगजेब दोबारा स्टार्ट करता है, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है, पूरी तरीके से बंद कर देता है। तो इसी व्यक्ति को बोला जाता है कि मयूर सिंहासन यानी तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था, ठीक है। फिर देखिए, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, तो पानीपत का युद्ध जो प्रथम युद्ध जीता था 1526 में बाबर ने, तो इस युद्ध को जीतने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, ये हो सकता है हमारा उसकी सैन्य कुशलता, ठीक है, उसकी जो सैन्य कुशलता थी इसी के कारण वो जीता था। यहाँ पर तुगलमा प्रथा, तुगलमा नीति, घुड़सवार सैनिक, अफगानों में आपसी फूट, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। उसकी जो सैन्य कुशलता थी उसी के आधार पर उसने क्या करा था, पानीपत का युद्ध जीता था, ठीक है। फिर देखिए, जप्ती प्रणाली किसकी उपज थी, जो जप्ती प्रणाली थी ये किसकी उपज मानी जाती है, ये मानी जाती है हमारा शेरशाह सूरी की उपज, ठीक है। फिर है, जवाबित का संबंध किससे था, जो जवाबित है, जवाबित का संबंध किस चीज से होता है, किस क्षेत्र से होता है, ठीक है, बेसिकली तो ये होता है हमारा राज्य कानून से, ठीक है, राज्य कानून से संबंधित होता है जवाबित। अगला क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, जो ईरान के शाह थे और मुगल थे, इनके बीच में जो झगड़े की जड़ थी ये मुख्य रूप से क्या थी, ये थी हमारी कंधार, ठीक है, जो कंधार क्षेत्र था ये इनके बीच झगड़े की जड़ थी। फिर है, मुमताज महल का असली नाम था, तो मुमताज महल का असली नाम क्या था, ये था अर्जुबंद बानो बेगम, ठीक है, ये पूछा जाता है अर्जुबंद बानो बेगम क्या था, मुमताज महल का असली नाम था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, ठीक है, जिंदा पीर किस मुगल शासक को बोला जाता है, तो ये बोला जाता है हमारा औरंगजेब को, ठीक है, औरंगजेब को क्या बोला जाता है, आलमगीर भी बोला जाता है, ठीक है, आलमगीर या फिर जिंदा पीर किसको बोला जाता है, औरंगजेब को बोला जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा चलाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, जो अकबर द्वारा चलाई गई कौन सी इमारत है जिसका नक्शा क्या है, बौद्ध विहार की तरह है, तो ये हो जाएगा हमारा पंचमहल, ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय था, उसके पिता का नाम क्या था, तो इसके पिता कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता, ठीक है, तो इसके पिता थे अकबर शाह द्वितीय, ठीक है, अकबर शाह द्वितीय क्या थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह कौन था, तो अकबर ने क्या करे थे, एक हिंदू राजपूतों के परिवार से विवाह करा था, तो वो कौन सा परिवार हुआ करता था, वो होता था हमारा कछवाहों से, ठीक है, कछवाहों से इसने क्या करे थे, विवाह संबंध स्थापित किए थे। फिर देखिए, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे, ठीक है, तो अकबर ने औरंगजेब ने क्या किया था, दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वो दो राज्य कौन कौन से हुआ करते थे, वो दो राज्य थे बीजापुर एवं गोलकुंडा, ठीक है, बीजापुर एवं गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीता था। फिर देखिए, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, तो किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, ये लिखी है हमारा जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने क्या की है, खुद की आत्मकथा लिखी है, और किस भाषा में लिखी है, फारसी भाषा में लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगलों ने नवरोज या फिर नवरोज का त्यौहार जो था ये अपनाया था, ठीक है, तो ये किससे सीखा था इन्होंने, मुगलों ने नवरोज या नवरोज त्यौहार कहाँ से लिया था इन्होंने, ये लिया था इन्होंने पारसियों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो कौन सा ऐसा मकबरा है, किसका ऐसा मकबरा है जिसको द्वितीय ताजमहल का दर्जा दिया गया है, तो ये है हमारा राबिया उल दौरानी का मकबरा, जो बीबी का मकबरा भी बोला जाता है, ठीक है, बीबी के मकबरे को क्या बोला जाता है, द्वितीय ताजमहल भी बोला
कहा जाता है। फिर है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसके अंतर्गत क्या थे हिंदू सेनापति थे काफी मात्रा में। ठीक है, तो ये था हमारा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के टाइम पीरियड पर क्या थे, बहुत सारे हिंदू सेनापति थे। फिर अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा, तो दीन ए इलाही को एक धर्म किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था। फिर है अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है, जो अनवार ए सुहैली है ये ग्रंथ किस चीज का अनुवाद है, ये है हमारा पंचतंत्र का। पंचतंत्र के लेखक कौन है, वो है विष्णु शर्मा। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है, जो क्या करी गई है 55+ भाषाओं में अनुवाद किया गया है इसका, जो पंचतंत्र है ना इसका 55 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया, जिसमें से 40 भाषा विदेशी है प्लस 15 भाषा हिंदुस्तान की है। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है पंचतंत्र। फिर देखिए, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो ये क्वेश्चन आई थिंक पटवारी के एग्जाम में आया था। ठीक है, पटवारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो ये जो चित्रकार था ये था मंशूर। ठीक है, मंशूर क्या था, पक्षियों का चित्रकार था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा, तो मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किस व्यक्ति ने लिखा था, ये लिखा था गुलबदन बेगम ने लिखा था। फिर है अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौमिक शांति एवं भाईचारा की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी, जो अकबर द्वारा अपनाई गई एक क्या थी अवधारणा थी, जैसे देखिए सुलह ए कुल यानी सार्वभौमिक शांति या भाईचारा का जो अवधारणा थी ये किस पर आधारित थी, तो ये जो आधारित थी हमारा देखिए राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, तो ये सभी पर क्या था, आधारित था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, तो तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हमारा ग्वालियर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, तो ये पुत्री थी हमारा बाबर की। ठीक है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो जिले को किस नाम से जाना जाता था उस टाइम पे, ये जाना जाता था सरकार के नाम से। फिर है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, मतलब ये कह सकते हैं कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की मृत्यु की थी, मतलब हत्या की थी। ठीक है, तो ये की थी हमारा तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। और आप लोग कमेंट में बताना कि जो गुरु तेग बहादुर हैं ये सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे। ठीक है, कौन से नंबर के गुरु थे, कमेंट में जरूर बताना। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा, तो भारत का मुगल शासक बनने के बाद जो जहीरुद्दीन मोहम्मद था इसने क्या नाम रखा था, तो इसने अपना नाम क्या रखा था, ये रखा था हमारा बाबर। ठीक है, बाबर नाम रखा था इन्होंने खुद का। फिर देखिए, अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह कौन था, तो फारसी में क्या हुआ है, महाभारत का अनुवाद हुआ है। ठीक है, इसको बोला जाता है रजमनामा। ठीक है, किस नाम से हुआ है, रजमनामा, ये किसके निर्देशन में हुआ है ये पूछा गया है, तो ये हुआ है हमारा बदायूनी के निर्देशन में। ठीक है, जो बदायूनी थे इनके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ है जिसका नाम है रजमनामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, जो दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद है इसका निर्माण किस व्यक्ति ने कराया था, ये कराया था हमारा शाहजहां ने। ठीक है, फिर है, निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान था, ये था हमारा अब्दुल रहीम खाने खान का। ठीक है, जो अब्दुल रहीम खाने खाना था इनका महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी साहित्य के लिए। ठीक है, तो देखिए गाइस, ये थे आज के इंपॉर्टेंट 80+ क्वेश्चंस, जिसमें हमने मुगल काल और मुगल शासकों के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, जो आगामी एग्जाम 9 अप्रैल का फॉरेस्ट गार्ड का है इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। तो मेक श्योर लाइक जरूर करना, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन के लिए आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब काफी होता है, ताकि मैं अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आपको दे सकूं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो। तो यार गाइज, होप करता हूं ये वीडियो पसंद आई, तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।